संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 21 दलों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं 25 दलों ने उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने की हामी भरी है। विरोध करने वाले विपक्षी दलों का कहना है कि नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को करना चाहिए। विरोध करने वाले दल दिखाना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है जब संसद भवन या इससे जुड़ी किसी इमारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं जब कांग्रेस शासन में ऐसा हुआ है। इसके अलावा राज्यों में भी कई संवैधानिक इमारतों का शुभारंभ राज्यपाल की बजाय राज्य के मुख्यमंत्रियों ने किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का विरोध है तो फिर नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार क्यों? अब तो सवाल यह भी है कि क्या नई संसद के बहिष्कार से लोकतंत्र मजबूत होगा? और राज्यसभा में 50.42% कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के कार्यपालिका के प्रमुख है इसलिए वो उद्घाटन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष का कहना है राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं। कई राज्यों में ऐसा पहले हो चुका है, नए भवन की जरूरत क्या थी, मौजूदा भवन काफी पुराना हो चुका है। ये सत्ता पक्ष का कहना है और विपक्ष के ये तर्क है। सत्ता पक्ष कई राज्यों में विपक्ष की सरकार ने राज्यपाल को नहीं बुलाया। लोकसभा 147, राज्यसभा 96। ये नया संसद भवन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, इसमें 21 दल नहीं पहुंच रहे उद्घाटन में, और जबकि 25 दल साथ में आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नए भवन के उद्घाटन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष का तर्क क्या है। विपक्ष कहता है कि नए भवन की जरूरत क्या थी, मौजूदा भवन काफी पुराना हो गया है, यह कहना है। सत्ता पक्ष का, पीएम मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार के कार्यपालिका के प्रमुख है। राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया, कई राज्यों में विपक्ष की सरकार ने राज्यपाल को बुलाया ही नहीं। और इसके साथ ही इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करते हैं। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन का बहिष्कार का ऐलान किया। 26 दल इस समारोह में शामिल होंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कई दल साथ आए। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की अपील खारिज हो गई। ये कोर्ट का विषय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। आप साफ समझिए कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी और नए संसद भवन और मौजूदा संसद भवन के में अंदर क्या है। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन में बैठने की क्षमता, सेंट्रल हॉल में 1272 सीट, 440 सीटें। दूसरे में निर्माण में खर्च, निर्माण में 1200 करोड़ रुपए, 83 लाख, साल 1921-27, त्रिभुजाकार गोलाकार, 64,500 वर्ग मीटर, 47,500 वर्ग मीटर बैठने की क्षमता, लोकसभा सीटें 888 और राज्यसभा सीटें 550। नए संसद भवन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने नई संसद को देश के लिए गौरव बताया। पीएम ने अपनी आवाज के साथ लोगों को वीडियो शेयर करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से नए संसद भवन पर अपना विचार भी रखने की अपील की है। पीएम ने कहा है, माई पार्लियामेंट माई प्राइड लिखना ना भूल। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर नए संसद भवन पर क्यों मचा है सियासी घमासान। ये चमचमाती बिल्डिंग और बिल्डिंग के अंदर का ये भव्य नजारा,
उस नए संसद भवन का है जिसे 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। 28 मई को प्रधानमंत्री 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों के बैठने की क्षमता वाले नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसके पहले देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस समेत 21 दलों ने राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सवाल उठाए हुए हैं। उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है, बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से अपील की कि वो एक बार फिर से अपने इस ऐलान पर विचार करें। मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के बहिष्कार को ओछी राजनीति बताया। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार। नई संसद के उद्घाटन पर रोक लगाने और राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट दखल दे। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सवाल ये उठता है कि मोदी से विरोध तक तो ठीक है, लेकिन क्या मोदी विरोध के नाम पर नई संसद का बहिष्कार ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी वार जारी है। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है। मौजूदा संसद भवन एक हेरिटेज ग्रेड वन भवन है। भविष्य में यहां सांसदों के बैठने की जगह भी कम पड़ जाएगी। लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक है। बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क नहीं है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या बढ़ जाती है। यही वजह है कि नए संसद भवन को बनाना जरूरी हो गया था और 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों की बैठने की क्षमता वाला नया संसद भवन बनाया गया है। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बहाने 2024 के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। ये जानना जरूरी है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी आज की तारीख में क्या ताकत है। 21 दल उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे करने वाले दलों के लोकसभा में 147 सांसद हैं। विरोध करने वाले दलों के राज्यसभा में 96 सांसद हैं। लोकसभा का 26.97% समर्थन विपक्ष के पास है। राज्यसभा का 40.33% समर्थन विपक्ष के साथ है। अब आपको सत्ता पक्ष की ताकत बता देते हैं। लोकसभा में समर्थक दलों के 366 सांसद, राज्यसभा में समर्थक दलों के 120 सांसद, लोकसभा में 67.15% सांसदों का समर्थन है। राज्यसभा में 50.42% सांसदों का समर्थन है, यानी कि सत्ता पक्ष के पास समर्थन कहीं ज्यादा है।